आज हमें पढ़ना है यहाँ, कल अपन ने कल ये हमारा हो गया था, ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था। एक बार ब्रीफ कर देती हूँ मैं थोड़ा सा फटाफट। इसके अंदर क्या था, इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। तो इसमें क्या था कि इसने यंगर होने के लिए तो इन्वेंट कर ली थी, जो भी था उसने यंगर होने के लिए, वो जो वीटा वोंग है वो उसने इन्वेंट कर लिया था। फिर उसने किसी को माइनस में भेज दिया था, तो अब उसको मतलब ऐसी इन्वेंट करनी थी जिससे जो इंसान है वो ओल्डर हो सके, मतलब बड़ा हो सके, ऐसी चीज उसको इन्वेंट करनी थी, आविष्कार करनी थी। तो वो अब मैम जो एलिस कॉनक्स ने यंगर वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो दिया था, तो फिर वो तो इस दुनिया से गायब ही हो गया था, तो फिर उसको है ना वापस वापस लाने के लिए है ना वो दूसरा वाला देना पड़ेगा, वो जिससे ओल्डर होते हैं, तो हाँ फिर वो लेगा तो वो तो गायब ही हो गया। हाँ हाँ तो उसको वो अब वो खोजना है जिससे ओल्डर हो जाए लोग। वो तो गायब ही हो गया था, वो माइनस में चला गया था। तो अब जो विली वोंका है, अब ये वो चीज बनाने जा रहे हैं जिसको पीने से लोग ओल्डर हो जाएं, बड़े हो जाएं जिसको पीने से। तो उसके लिए ये क्या करता है, अपने ग्लास एलिवेटर में बैठता है, ग्रेट ग्लास एलिवेटर में, और पूरे वर्ल्ड में जाके चीजें कलेक्ट करके लाता है। तो वहां से ये चीजें ये कलेक्ट करके लाया था। कल अपन ने पढ़ लिया था कि ये वापस बता देती हूँ फटाफट फटाफट। एक तो रस लेके आया था, पाइंट ऑफ सैप, सैप का मतलब जो पेड़ पे से जो रस निकलता है, गोंद कह लो या उसको पेड़ के रस को, ठीक है, वो लेके आया। एक नेल क्लिपर लेके आ गया, पैर के नाखून काटने वाली नेल क्लिपर लेके आ गया। एक अंडा लेके आ गया जो टॉर्टोइस का अंडा था, 200 साल पुराना अंडा था। एक पूंछ लेके आ गया, टेल लेके आ गया, किसकी, हॉर्स की, हॉर्स की पूंछ लेके आ गया। 51 ईयर ओल्ड, 51 साल का हॉर्स था वो, अरेबिया का हॉर्स था। और विस्कर्स लेके आया, कैट जो होती है ना कैट, उसके मतलब जो बाल होते हैं मुंह के पास में, वो लेके आ गया। और कैट पे जो फ्ली होती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो उसके ऊपर, इंसेक्ट होता है मतलब जो उसका खून चूसते हैं कैट का, तो वो लेके आ गया। टेल लेके आ गया किसकी, रैट की भी टेल लेके आ गया, पूंछ लेके आ गया रैट की। और ब्लैक टीथ लेके आया, दांत लेके आया, काले काले दांत। और नकल बोन मतलब अपने जो हाथ की ये जो बोन्स होते हैं, जब अपन मुट्ठी मुक्का बनाते हैं तो जो बाहर की तरफ ये बोन्स निकली होती हैं, ये तो ये सारी चीजें उसने इकट्ठी कर ली। ये कल अपन ने पूरा पढ़ लिया था, अब आज हम पढ़ेंगे यहां से। पहले मतलब बता देती हूँ, ट्रैक्ड डाउन। ट्रैक्ड डाउन का मतलब फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट, फाइंड की ही फॉर्म है फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड, ठीक है। फाइंड का मतलब पता लगा लेना, तो फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट, किसी चीज का पता लगा लेना, सर्च करके और उसका पता लगा लेना। जैसे पुलिस भी ट्रैक करती है ना, फोन कॉल्स को ट्रैक करती है कि ये फोन कहाँ से आ रहा है ये कॉल, ठीक है। ट्रैक करना मतलब किसी को सर्च कर लेना और उसका पता लगा लेना, सर्च करके खोजबीन के। पता चल गया, हाँ, फाइंड का मतलब होता है पता चलना, तो फाइंड फाउंड फाउंड, तीनों का मतलब ही पता चलना ही होता है। ये फॉर्म्स है बस, अलग अलग मतलब सेम ही होता है। तो फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट, सर्च मतलब खोजना, किसी चीज को खोजना। कोई अपनी चीज गुम जाती है तो अपन उसको सर्च करते हैं ना, अपन उसको ढूंढते हैं। तो किसी चीज का पता लगा लेना उसको सर्च करने पे, खोज रहे हैं अपन और वो अपन को मिल गई, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक्ड डाउन। अपन कहते हैं ना उसको ट्रैक कर लिया, उसके फोन को ट्रैक कर लिया, पुलिस बोलती है जैसे कि उसके फोन को ट्रैक कर लिया, तो इस तरीके से, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two, or the gem scraped from between its toes while it was sleeping. तो इसने क्या बोला है, All over the world, Charlie, मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड। तो मिस्टर जो मिस्टर वोंका वोंका है, ये चार्ली को क्या बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड से मैं क्या क्या लेके आ गया,
आई ट्रैक्ड डाउन, मतलब मैंने सर्च किया और मुझे क्या क्या मिला, आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशियंट एनिमल. तो मैंने मतलब बहुत ही पुराने पुराने एनिमल्स को सर्च किया, ढूंढा, और मतलब मैं उनसे क्या क्या लाया. फिर वेरी ओल्ड मतलब बहुत पुराने, एंशियंट मतलब भी पुराना होता है जो प्राचीन, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, जो पहले की जो चीजें होती है उनके लिए हम एंशियंट वर्ड का यूज करते हैं. यहां से लिख लो इसको, एंशियंट. हाँ एंशियंट का मतलब देखो प्राचीन, वेरी ओल्ड, बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन द पास्ट. पास्ट में जो थाउजेंड ईयर पहले, मतलब बहुत टाइम पहले, प्राचीन पुरातन हजारों वर्ष पुराना, तो एंशियंट, एंशियंट मतलब वही हो गया पुराना. तो ये कहाँ गया, आई ट्रैक्ड डाउन मतलब मैंने वेरी ओल्ड और एंशियंट एनिमल, जो मतलब बहुत ही पुराने और प्राचीन एनिमल्स का मैंने ढूंढा, मैं मुझे वो मिल गए. एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम. और हर एनिमल से मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज कुछ ना कुछ ले आया, किसी की पूंछ ले आया, किसी के विस्कर्स ले आया, ठीक है, किसी की टेल लेके आ गया, टेल मतलब पूंछ लेके आ गया, किसी के नेल क्लिपर्स लेके आ गया, और किसी के नेल क्लिपर्स मतलब उनके वो नाखून जो होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो नाखून लेके आ गया, और मतलब इस तरह की काफी चीजें वो लेके आ गया. अ हेयर किसी के बाल ले आया, एन आईब्रो किसी के आईब्रो, और समटाइम्स इट वाज नो मोर देन एन आउंस, एंड टू ऑफ द जेम स्क्रेप्ड फ्रॉम द, स्क्रेप का मतलब खुरचना होता है, स्क्रेप का मतलब भी लिखो और आउंस का मतलब भी लिखो, दोनों का मतलब लिखो. ये भी मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम, वेट को मेजर करने के लिए. अ मेजर ऑफ वेट 28.35 ग्राम्स. देयर आर 16 आउंस इन अ पाउंड. आउंस क्या है, एक यूनिट है. किसको मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए. वेट के लिए अपन केजी यूज करते हैं, जो अपनी स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केजी, किलोग्राम. वेट के लिए तो हम किलोग्राम का यूज करते हैं वेट के लिए, बट आउंस का भी यूज होता है कई जगह. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, अपने में यहाँ पे वैसे इसका मतलब ये है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, जरा सा भी. ही हैजंट गॉट एन आउंस ऑफ इमेजिनेशन. आउंस मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी की बहुत ही छोटी चीज, क्योंकि वो छोटा छोटा अमाउंट लेके आया था ना हर उससे एनिमल का, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजें लेके आया था, तो आउंस. तो ये अपना ये लिख लो अब सौरभ, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग. और ये भी ध्यान रखो, 1 पाउंड में 16 आउंस होते हैं, ये दोनों ही उसकी यूनिट है. मेजर वेट को मेजर करने के लिए पाउंड का भी यूज किया जाता था और आउंस का भी यूज करते हैं. स्क्रेप का मतलब लिख लो, स्क्रेप मतलब जैसे अपन खरोच, खुरच जो खुरचन होती है उसके लिए भी यूज. स्क्रेप टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ सरफेस बाय मूविंग अ शार्प एज अक्रॉस इट फर्मली. चाकू आदि से किसी सतह पर लगी चीज हटाना या फिर खुरचना. ठीक है, चाकू से सतह पर किसी चीज को खुरचना. स्क्रेप ऑल द मड ऑफ योर बूट्स बिफोर यू कम इन. अंदर आने से पहले अपने जो बूट्स हैं उनका जो मड है, कीचड़ है, उसको स्क्रेप कर लो, मतलब उसको खुरच लो पूरे को, बाहर खुरच के और फिर अंदर आओ साफ करके. मतलब तो स्क्रेप का मतलब ये होता है खुरच लेना. टू डैमेज और हर्ट समबडी बाय रबिंग इट अगेंस्ट समथिंग रफ और हार्ड. टू रब अपना तो फर्स्ट वाला ही है. टू मैनेज टू गेट और विन समथिंग विद डिफिकल्टी, कठिन प्रयास से कुछ लेना या हासिल करना. ठीक है, तो देखो, तो एक हेयर किसी के बाल ले आया, किसी के आईब्रो ले आया. समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन एन आउंस, मतलब बहुत ही कम, मतलब आउंस से ज्यादा नहीं होता था वो चीज, मतलब वो बहुत ही कम अमाउंट का होता था. और टू
ऑफ द जैम स्क्रेप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज, किसी की टोज से मतलब जो जैम है वो स्क्रेप किया हुआ इस तरह से, वाइल इट वॉज स्लीपिंग जब वो सो रहा है, तो इस तरह की वो चीजें उठा रहा है. आई ट्रैक्ड डाउन द विसल पिग, द बोबोलिंक, द शी रॉक, द शैक रॉक, द पॉली फ्रॉग, द जायंट अर्ली क्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द विनोमस वर्कर. तो मतलब मैंने इन सब सबका मतलब सर्च किया, आई ट्रैक डाउन, मतलब मुझे ये सारी चीजें मिली, विसल पिग, ये सारी चीजें मतलब मुझे मिली. और हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इन टू योर आई फ्रॉम 50 yards अवे. ये जो सारे एनिमल्स हैं ये सब क्या कर सकते हैं, हु कैन स्पिट, स्पिट का मतलब होता है थूकना, ठीक है. तो हु कैन स्पिट पॉइजन, ये पॉइजन को मतलब स्पिट कर सकते हैं राइट इनटू योर आईज फ्रॉम 50 yards अवे, 50 yard की दूरी से ये आपकी आंखों के अंदर पॉइजन मतलब स्पिट कर सकते हैं, पॉइजन को मतलब एक तरह से डाल सकते हैं पॉइजन अपनी आपकी आईज के अंदर. स्पिट का यहां से भी लिखो मीनिंग, स्पिट मतलब होता है थू. To force liquid food etc. out from your mouth. तरल पदार्थ भोजन आदि को थूकना, बलपूर्वक बाहर निकालना. He took one sip of the wine and spat it out. और ये इसकी फॉर्म है, spit और spat, spat. ठीक है, ये फॉर्म्स भी लिख के जाना सौरभ साथ में, फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसने एक सिप ली, सिप मतलब होती है घूट, एक घूट ली उसने वाइन की और spat it out. और उसने उसको वापस से मतलब पूरे के पूरे को थूक दिया उसने. स्पिट की ही फॉर्म है ये, स्पैट, स्पिट, स्पैट, स्पैट. ठीक है, द लिक्विड इन योर माउथ, लार, थूक, पीक, ये सब ये स्पिट के लिए यूज करते हैं. तो इसने क्या बोला है कि हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इन टू योर आईज फ्रॉम 50 yards अवे, 50 yard की दूरी से भी वो मतलब पॉइजन स्पिट कर सकते हैं ये सारे एनिमल्स आपके आईज के अंदर, आंखों के अंदर स्पिट कर देंगे. बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ. लेकिन मेरे चार्ली, चार्ली मेरे पास अभी टाइम नहीं है इन सब के बारे में तुम्हें ज्यादा बताने के लिए, बस मैंने इतनी सी बात बताई है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी. Let me just say quickly, that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. ये चार्ली को बता रहे हैं ये सारी बातें, जो मिस्टर विली वोंका है वो चार्ली से बातें कर रहा है, चार्ली को सारी बातें बता रहा है. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing, अब ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा बॉइल करा मैंने, मतलब एक चीज बनाई है उसको मैंने बहुत ज्यादा बॉइल किया, उसको बबल बबल उठते हैं ना, जब बुलबुले उठते हैं पानी के अंदर गर्म हो जाते हैं फिर बुलबुले भी उठने लग जाते हैं, मैंने मतलब बॉइल किया, गर्म किया पानी को, उसमें बबलिंग स्टार्ट हो गई, मतलब बुलबुले उठने लग गए, और मिक्स चीजें मिक्स करी, ये मिक्स करा, वो मिक्स करा, चीजें मिक्स करी, टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, मेरा जो इन्वेंटिंग रूम है जिसमें मैं आविष्कार करता हूँ, उस रूम के अंदर मैंने चीजों को गर्म किया, मतलब बबल्स आए, मिक्स की चीजें, ये सब मैंने चीजें करी, और मैंने क्या प्रोड्यूस किया, आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कपफुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, एक ब्लैक कलर का लिक्विड मैंने तैयार कर लिया. प्रोड्यूस्ड मतलब मैंने उसको प्रोड्यूस करा, मतलब मैंने उसको क्रिएट किया, मतलब मैंने बना लिया. तो एक ऑयली ब्लैक लिक्विड उसने बना लिया, वन टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, कप फुल, एक छोटा कप भर के मैंने एक मतलब ये लिक्विड तैयार कर लिया, प्रोड्यूस किया. एंड गेव 4 drops ऑफ इट, और इसकी 4 बूंदे एक लड़के को दी, उस लड़के को मैंने पिला दी, जो वॉलंटियर्स होते हैं ना, वॉलंटियर मतलब ये लोग वॉलंटियर्स को वो करते हैं, बुलाते हैं, मतलब एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं कि आप आओ, जिस जो भी मतलब वॉलंटियर जो भी आना चाहता है उनको पैसे भी देते हैं, लोग उनपे टेस्ट करते हैं और उनको उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं.
जैसे कोई भी इन्वेंशन कर रहा है और वो कहता है कि जो वॉलंटियर्स आना चाहें वो आ सकते हैं, तो उनपे ये लोग फिर टेस्ट करते हैं और उनको उसके बदले में उनको जैसे जिनको पैसों की जरूरत होती है, जो इस तरह के लोग चले जाते हैं, तो गेव 4 drops ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old, ब्रेव मतलब बहादुर, तो 20 साल के एक लड़के को, ओम्पा लोम्पस इसका नाम है, वॉलंटियर है, मतलब ये जो लड़का है इसको 4 drops दे दी टू सी वॉट हैपन्ड, मतलब इसको 4 drops दे दी और फिर मतलब ये देखने के लिए कि क्या होता है, कि ये बड़ा होता है या छोटा होता है या गायब होता है, क्या होता है, चलो देखते हैं। तो व्हाट डिड हैपन, चार्ली आस्क्ड, चार्ली ने पूछा क्या, फिर क्या हुआ, मतलब आपने दे दी तो क्या हुआ फिर, वॉज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, तो मिस्टर वोंका चिल्लाया, मतलब मिस्टर मिस्टर वोंका ने बोला कि फैंटास्टिक था वो एकदम, कैसे फैंटास्टिक था, मतलब जो भी बनाया था मैंने वो फैंटास्टिक था, द मोमेंट ही स्वेलोड इट, स्वेलो का मतलब होता है निगल लेना, अपन जब निगल जाते हैं ना फटाफट फटाफट कोई चीज निगल जाते हैं तो उसको निगल लेना बोलते हैं, ठीक है, एक तो चबा चबा के खाते हैं, चू करना मतलब चबाना, CHEW, चू मीन्स होता है चबाना, स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना, जैसे बच्चे ज्यादातर चीजें निगल जाते हैं, चबाते तो है नहीं पर फटाफट ही निगल जाएंगे उनको जो भी खिलाते हैं उसको, तो द मोमेंट ही स्वेलोड इट, मोमेंट मतलब क्षण, जिस क्षण उसने मतलब वो पी लिया, उसने स्वेलो कर लिया, निगला, जिस मतलब जैसे ही उसने उसको निगला, जैसे ही उसने वो पिया तो क्या हुआ, ही बिगेन रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 65। इसने बोला कि बहुत फैंटास्टिक दवाई बनाई मैंने, क्या हुआ, जैसे ही उसने निगला उसको, जिस क्षण उसने मतलब उसको निगल लिया मतलब पी लिया, ही बिगेन रिंकलिंग, रिंकल्स होते हैं अपने जो बूढ़े हो जाते हैं तो रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, तो यहां से भी उनको लिख लो, जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके फेस पे हाथों पे सब पे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्री बोलते हैं अपन इसको हिंदी में, अ स्मॉल लाइन इन समथिंग स्पेशली वन ऑन द स्किन ऑफ योर फेस, जो लाइनिंग्स आ जाती हैं अपने फेस पे हाथों पे पूरी बॉडी पे आ जाते हैं ना, जब बूढ़े हो जाते हैं तो कैसे रिंकल रिंकल आ जाते हैं पूरी बॉडी पे, विद यू गैट एज यू ग्रो ओल्डर झुर्रिया, तो विशेषता चेहरे पर, रिंकल मतलब झुर्रिया हो गया, प्लूरल रिंकल्स, तो और रिंकल और श्रिवलिंग, श्रिवलिंग का मतलब होता है कांपना, डर के मारे या फिर ठंड के मारे जब अपन को बहुत ठंड लगती है तो कैसे कांपने लग जाते हैं, अपने दांत भी कांपने लग जाते हैं, अपन पूरे के पूरे कांपने लग जाना, श्रिवलिंग, तो ही बिगेन रिंकलिंग मतलब उसके पूरे वो रिंकल्स रिंकल्स आ गए, झुर्रिया आ गई पूरे शरीर पे, श्रिवलिंग अप ऑल ओवर, और जैसे जो बूढ़े होते हैं कैसे कांपते हैं उस तरीके से उसके लिए यूज किया गया, एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, और उसके बाल ड्रॉप होने लग गए, मतलब हेयर्स जो थे उसके वो झड़ गए, गिर गए, जब बूढ़े होते हैं तो बाल कम हो जाते हैं ना, बाल बाल सब झड़ जाते हैं, तो उसके जो हेयर थे वो स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ और दांत थे वो स्टार्टेड फॉलिंग आउट, दांत भी गिर जाते हैं जब अपन बूढ़े होते हैं जब, तो दांत भी गिर जाते हैं, तो उसके टीथ थे वो भी स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट, ये नो की ही फॉर्म है, नो न्यू नोन, ठीक है, तो नो मतलब जानना होता है तो उसी की फॉर्म है, बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो, वो अचानक से ही एक ओल्ड फेलो बन गया 55 years का, मतलब 55 year का बन गया, एंड दस माई डियर चार्ली, 55 का, देखो कितने साल का था वो, 20 years का था, 20 साल का था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, 75 years में कन्वर्ट हो गया, 20 साल से वो 75 years का बन गया, मतलब उसने यंग होने की तो खोज ही ली थी, इन्वेंट कर ही ली थी मेडिसिन, और उसने मतलब ये ओल्डर होने के लिए भी उसने इन्वेंट कर लिया, एंड दस माय डियर चार्ली वाज वीटा वॉन्क इन्वेंटेड, और मतलब इस तरह से वीटा वॉन्क का इन्वेंशन हुआ, रोआल्ड डाल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, रोआल्ड रोआल्ड डाल की मतलब ये नोवेल्स लिखता है बहुत, और भी नोवेल्स हैं इसके काफी, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री,
चार्ली इसमें मेन करेक्टर है, जो चार्ली जो लड़का है, एक बच्चा होता है चार्ली। तो ये हमारा हो गया चैप्टर, अभी अपन ये करेंगे वर्किंग विद टेक्स्ट। सही है। वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब देख, वॉट ट्रीज डज मिस्टर वोंका मेंशन। मिस्टर वोंका ने कौन से ट्रीज को मेंशन किया? विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट। और उसने कौन से ट्री के लिए बोला कि ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा टाइम तक ये जिंदा रहता है? कौन से ट्री के बारे में बोला? देख सकते हो कुछ ब्रिटल नहीं है। हाँ ब्रिटल ब्रिटल कौन पाए, ब्रिटल कौन पाए, हाँ इन सबके लिए तो उसने बोला, पाइन ट्री, फिर ट्री, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा साल तक जीता है, उसका क्या नाम है? ब्रिस्ली कॉर्न पाइन्स। हाँ तुमने यही बताया ना, ब्रिस्ली कॉर्न पाइन्स 4000 ईयर ओल्ड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ब्रिस्ली कॉर्न पाइन्स जो ट्री था, ये सबसे ओल्डेस्ट था, 4000 ईयर्स ओल्ड था ये। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, कितने मतलब सालों तक ये जिंदा था, 4000 ईयर सालों तक। वेयर कैन यू फाइंड इट, और हमें कहाँ मिल सकता है बताओ सौरभ, कहाँ पे था ये? यूएसए में था ना किसी जगह पे, नेवाड़ा में, हिल के स्लोपिंग साइड पे। यूएसए में नेवाड़ा जगह है, यहाँ पे व्हीलर पीक की स्लोप्स पे, स्लोप मतलब ढलान है, जो पीक होती है, जो चोटी होती है, उसकी ढलान होती है ना, वहां पे ये पेड़ पाया जाता था। मतलब ये लिखना है पूरा, द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा यूएसए। तो यहाँ पे ये ट्री पाया गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओगे अभी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेम्बर फ्रॉम मिस्टर वोंकास लिस्ट? तो मिस्टर, डोंट लुक बैक एट द स्टोरी, डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट और आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी? ज्यादातर तो इमेजिनरी लग रही है मुझे तो। सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जो सोच में जो होती है, सोच के कुछ भी इसने बना दी। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये चीज रियली सच में एग्जिस्ट करती है, मतलब सच में है ये चीज, क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर ये सब इमेजिनरी है? हाउ मेनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेम्बर फ्रॉम मिस्टर वोंका लिस्ट? मिस्टर वोंका की लिस्ट में जो ओल्डेस्ट थिंग्स थी, जो उसने पूरी लिस्ट जो लेके आया था वो अपनी मशीन में बैठ के, उसमें से क्या आपको कुछ याद है, कोई भी ओल्डेस्ट थिंग बताओ, एक दो का नाम याद है तो, जैसे वो टेल लेके आ गया था हॉर्स की, और कैट के विस्कर्स ले आया था, तो कैट हॉर्स इसने नाम दे दिए थे अपने मन से, जो जो नाम दे रखे थे उनके। तो लिस्ट है, उसमें से आप किसी का भी बता सकते हैं। इसने बोला डोंट लुक बैक एट द स्टोरी, यहाँ ऊपर ये पूरी लिस्ट है, तो इसमें से आप किसी का भी बता सकते हो, जो भी आपको याद है कहाँ कहाँ से जो ये लेके आया था चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Why does Mr. Wonka collect items from the oldest thing? Oldest चीजों से मतलब उसने items collect क्यों किए? क्योंकि उसको oldest ही बनाना था लोगों को, old बनाना था उसको लोगों को, older बनाना था, इसलिए उसने oldest चीजों से मतलब items collect किए। Do you think this is the right way to begin his invention? क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है अपने invention को मतलब शुरू करने का, begin करने का? हाँ तो सही तरीका है। वॉट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु स्वेलोज 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इन्वेंशन? नए इन्वेंशन के जो 4 ड्रॉप्स स्वेलो कर गया था, निगल गया था जो वॉलंटियर जिसने पी ली थी 4 ड्रॉप्स, वॉट, तो उसके साथ क्या हुआ था? तो वो ओल्डर हो गया था, वो 75 ईयर्स का हो गया था, वो 20 ईयर्स का था, उसने जैसे ही पी वो 75 ईयर्स का हो गया। वो जो पूरी चीजें लिखी थी ना कि हेयर्स ड्रॉपिंग ऑफ और टीथ पुलिंग आउट, इस तरह से वो सारा लिखता है। वॉट इज द नेम ऑफ द इन्वेंशन? इन्वेंशन का नाम क्या था? इन्वेंशन का नाम यही है चैप्टर का जो नाम है, वीटा वॉन्क, ये इसकी इन्वेंशन का नाम। तो ये हो गया अपना
ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं. व्हाट डू यू कॉल दीज इंसेक्ट्स इन योर लैंग्वेज, इनको क्या बोलते हैं? कॉकरोच को तो अपन कॉकरोच ही बोलते हैं, मॉस्किटो को अपन अपनी लैंग्वेज में मच्छर बोलते हैं हिंदी में, ग्रास होपर को अपन टिड्डा भी बोलते हैं, अपन राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं, जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ना, एक राम जी का घोड़ा बोला जाता है इसको ज्यादातर, टिड्डा भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रास होपर है. हाउस फ्लाई, जो मक्खियां अपने घर में घूमती रहती हैं, उनको हम हाउस, हम उनको मक्खी बोलते हैं, हाउस फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई, जो हेलीकॉप्टर की तरह घूमता रहता है ऊपर नीचे सारी जगह पे, कहीं जाते हैं तो अपन, सो ड्रैगन फ्लाई. एंट को हम चींटी बोलते हैं. हाउ डू दीज इंसेक्ट्स इफेक्ट योर हेल्थ, हैव अ डिस्कशन इन द क्लास, क्लास में डिस्कस करो कि ये जो इंसेक्ट हैं वो आपकी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट डालते हैं. तो कॉकरोच भी अच्छा इफेक्ट नहीं डालती अपनी हेल्थ पे, कॉकरोच, मॉस्किटो, ये सब मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं डालते. हाउस फ्लाइज, ये सब एक तरह से बीमारियां लेके आते हैं, तो इसलिए हमारी हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट नहीं डालते. फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. इजी पालक दाल, पालक दाल बनाने की ये रेसिपी दे रखी है सौरभ. ये तो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब जो जो चीजें अपन यूज करते हैं, जैसे उसके अंदर हम प्याज यूज कर रहे हैं, या फिर दाल यूज कर रहे हैं, टमाटर यूज कर रहे हैं, जीरा यूज कर रहे हैं, नमक यूज कर रहे हैं, हल्दी, ये सब इंग्रेडिएंट्स के अंदर आ जाते हैं. इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी चीजें हम उसमें यूज करते हैं. तो वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी अपन देख लेते हैं, यहाँ से भी लिख लो. इंग्रेडिएंट्स, वन ऑफ द आइटम्स ऑफ फूड यू नीड टू मेक समथिंग टू ईट, मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इन अ बोल. तो वन ऑफ द क्वालिटी नेसेसरी टू मेक समथिंग सक्सेसफुल. इंग्रेडिएंट्स मतलब किसी खाद्य पदार्थ का घटक, मतलब आइटम वही हो गया, मतलब नमक हो गया, हल्दी, जीरा, चावल, जो जो चीजें आप यूज करते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. पालक यूज करो तो पालक, तो ये सब तो इंग्रेडिएंट्स हैं. ऊपर जो ये बुलेट पॉइंट में लिखे हैं ये इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, तो यहाँ पे अपन को फिलअप करने हैं इन ब्लैंक्स को. ठीक है सौरभ, तो तुम बताओगे, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बताओगे तुम, चाहे गलत बताओ सही कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. तो ये है श्रेड, कुकर, टाइम्स, टोमेटोज, हाफ, अनियन, ऑयल. हाफ मतलब आधा, अनियन मतलब प्याज, ऑयल मतलब तेल, टोमेटो मतलब टमाटर, टाइम्स मतलब कितने टाइम, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कुकर मतलब जो अपना कुकर होता है जो अपन यूज करते हैं, श्रेड का मतलब भी यहाँ से लिख लो. अ स्मॉल थिन पीस ऑफ मटीरियल दैट हैज बीन कट और टॉर्न ऑफ, किसी चीज का कटा या फाड़ा हुआ छोटा महीन टुकड़ा, अपने वाला यही है. धज्जिया कतरन, हिज क्लोथ्स वर टॉर्न टू श्रेड बाय द रोज बुशेस. रोज की जो झाड़ियां थी, रोज मतलब अपना जो रोज का फ्लावर होता है, गुलाब का फ्लावर होता है, गुलाब की जो झाड़ियां थी उससे जो उसके कपड़े थे, हिज क्लोथ्स वर टॉर्न टॉर्न टू श्रेड्स मतलब कतरन में हो गए, जैसे झाड़ी में अटक के सारे कट कट जाते, फट जाना, फट गए ये कह लो. क्लोथ्स वर टॉर्न टू श्रेड्स बाय द रोज बुशेस. तो स्मॉल थिन पीस ऑफ मटीरियल दैट हैज बीन कट और टॉर्न ऑफ, किसी चीज का कटा या फाड़ा हुआ छोटा महीन टुकड़ा, तो उसके टुकड़े श्रेड श्रेड हो गए, मतलब के जो कपड़े थे बिखर गए. किसी वस्तु को छोटे महीन चीरना काटना, ये वाला लिख लो अपने लिए. तो टू टीयर और कट समथिंग इनटू श्रेड्स, श्रेडेड कैबेज, कैबेज का मतलब होता है जो बंद गोभी होती है अपनी, बंद गोभी. कॉलीफ्लावर तो होता है फूल गोभी, फूल गोभी, गोभी की सब्जी खाते हो तुम?
फूल गोभी जो होती है उसको हम कहते हैं कॉलीफ्लावर, कैबेज का मतलब होता है बंद गोभी, जो बंद गोभी होती है उसको हम कहते हैं कैबेज। तो श्रेडेड कैबेज, श्रेडेड का मतलब हो गया मतलब एक तरह से उसको काट देना टुकड़ों में, टू टीयर और कट समथिंग इंटू, तो अपना तो यही है ये लास्ट वाला, ये लिख लो, टू टीयर और कट समथिंग इंटू श्रेड्स, किसी वस्तु को छोटे महीन टुकड़ों में चीरना या काटना, ठीक है, किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। तो गोभी की जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसको काटते हैं पहले, तो इसने यहाँ पे लिखा है श्रेडेड कैबेज। तो ये सारे ये दे रखे हैं अपन को ऑप्शंस। इजी पालक दाल, पालक दाल कैसे बनती है उसकी पूरी रेसिपी दे रखी है, रेसिपी का मतलब होता है कि कैसे कैसे उसको बनाते हैं, सबसे पहले दाल डालो फिर पालक डालो, कैसे बनाना है मतलब उसको। श्रेड मतलब पीसीज हो गए, टुकड़े टुकड़े मतलब। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसके अंदर, 1 कप दाल, एक तो दाल चाहिए और वन एक क्या चाहिए, एक प्याज चाहिए, अनियन तो चाहिए ही, हम पालक दाल किसी की भी सब्जी बनाओ प्याज तो अपन को पड़ती है जरूरत उसकी, तो 1 अनियन लिख देते हैं अपन यहाँ पे, 1 अनियन, एक प्याज चाहिए, 1 कप दाल, एक दाल चाहिए मतलब 1 कप दाल का भर के, 2 थिन ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज, चिली का मतलब हरी जो मिर्च होती है, ग्रीन मतलब हरी, चिलीज का मतलब होता है मिर्च, मिर्ची को चिलीज बोलते हैं, तो 2 थिन मतलब पतली, 2 पतली हरी मिर्ची चाहिए, और डैश अ टी स्पून फुल, डैश अ टी स्पून फुल रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर चाहिए, कितना क्या आएगा यहाँ पे बताओ, हाफ हाफ आ सकता है इनमें से, और तो क्या आ सकता है, देखो हाफ आ सकता वन है, हाफ, हाँ हाफ अ टी, हाँ बोलो सौरभ, हाफ हाफ अ टी स्पून रेड चिली पाउडर, तो रेड और चिली पाउडर चाहिए अपन को हाफ, कितना चाहिए वो, और फिर 8 स्मॉल बंचेस ऑफ पालक, पालक जो होता है ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है, जो पालक है वो चाहिए, उसके 8 स्मॉल बंचेस, बंच का मतलब होता है पूरा गुच्छा, तो छोटे छोटे 8 गुच्छे होने चाहिए पालक के, वो चाहिए। 2 टोमेटोज, 2 टमाटर चाहिए, सॉल्ट, 2 सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार, कहते हैं ना जब कोई रेसिपी भी अपन देखते हैं तो वो बोलते हैं नमक स्वाद अनुसार डाल दो, सॉल्ट 2 टेस्ट, मतलब जितना आपको सॉल्ट चाहिए उतना टेस्ट के अनुसार सॉल्ट। तो ये इंग्रेडिएंट्स है, ये सामान हमें चाहिए पालक बनाने के लिए, ठीक है आगे चलते हैं। वॉश एंड कट द वेजिटेबल, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सारी वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, धोते हैं, टमाटर को धोते हैं, प्याज को छील के उसको धोते हैं, चिलीज को धोते हैं, सबको धो लिया और फिर उनको कट कर लिया, पालक को भी धो लिया। वॉश एंड कट द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को वॉश कर लो, धो लो और उनको कट कर लो। डैश द पालक, पालक को क्या करना है, इसमें क्या आएगा बताओ इसमें से, पालक श्रेड ही आएगा, श्रेड द पालक को यही आ सकता है, और तो क्या आएगा इसमें, श्रेड द पालक ये आ जाएगा। फिर इन द रेसिपी गिवन बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स में से ही वर्ड अपन को यूज करने, तो इनमें से श्रेड ही आ सकता है, श्रेड मतलब टुकड़े टुकड़े करो पालक के, और तो कुछ आएगा नहीं। तो वॉश एंड कुक द वेजिटेबल, श्रेड द पालक, पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर, क्या आएगा यहाँ पे सौरभ, कुकर कुकर, नहीं हाँ कुकर ही आएगा, पुट एवरीथिंग इन अ प्रेशर कुकर, सारी चीजों को प्रेशर कुकर में डाल दो, लेट द कुकर विसल, 3, कुकर को 3 के बाद क्या आएगा, देखो इनमें ऑप्शंस है, देखो आराम से, देखो आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द कुकर टाइम विसल 3 टाइम्स, वेरी गुड, तो 3 टाइम्स कुकर को विसल, 3 सीटी लगवाओ कुकर में, सारी चीजें डाल के उसमें, और फिर कुकर में सीटी लगवा दी, देन स्विच इट ऑफ, फिर उसको बंद कर दो, फ्राई अ फ्यू क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन का मतलब होता है जीरा, जीरा जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड्स, सीड मतलब बीज, तो जीरा को हम क्यूमिन सीड बोलते हैं, फ्राई अ फ्यू क्यूमिन सीड, तो तेल में अपन सबसे पहले जीरा ही ऐड करते हैं, फ्राई अ फ्यू क्यूमिन सीड इन, इन किसमें किसमें डालना है, और इनमें से क्या आएगा, इन इन
ऑयल 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 के अंदर डालते हैं ना अपन जीरे को, सबसे पहले अपन तेल डालते हैं फिर उसमें जीरा डालते हैं। तो जीरा को किसमें डालना है, फ्राई अ फ्यू क्यूमिन सीड्स इन ऑयल, ऑयल आएगा यहाँ पे, ऑयल के अंदर थोड़े से क्यूमिन मतलब जीरे के जीरा डाल दो थोड़ा सा, तो फ्राई मतलब उसको गर्म होने दो। एंड टू टू द पालक दाल, सॉरी एंड ऐड टू द पालक दाल, और उसको पालक दाल मतलब उसमें ऐड करो या फिर पालक दाल के अंदर इसको डाल दो जो भुना हुआ जीरा है, इसको फ्राई करके जो कुकर में सीटी लगवाई थी ना सारी चीजें उसके अंदर, वो ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं कुकर में सीटी लगवा लेते हैं सब कुछ, और दूसरे उसपे किसी पैन के अंदर तेल गरम करके उसमें जीरा डाल के और उसको अच्छे से गरम करके काला हो जाता है जीरा, तो फिर उसको कुकर में डाल देते हैं उसको तेल को और फिर उसको घुमा देते हैं। तो ये इन्होंने ऐसे बताई है। भी पढ़ लेते हैं, फैमिली ट्री है ये, बनवाते हैं टीचर्स बहुत ज्यादा, पढ़ लेते हैं। अ फैमिली ट्री इज अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो एक फैमिली ट्री है, इसके अंदर सारे आपके ग्रांड मदर ग्रांड फादर सब आ जाएंगे, इसके अंदर मदर फादर सब लोग आ जाते हैं इसके अंदर। फिल इन द फैमिली ट्री बिलो विद नेम्स एजेस एंड अदर डिटेल्स यू थिंक आर रेलेवेंट, और कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर दो इसमें। यू मे इवन स्टिक फोटोग्राफ्स इफ यू हैव देम, आप फोटोग्राफ्स भी स्टिक कर सकते हो। पुट योर फैमिली ट्री अप इन द क्लास, अब ऐसा फैमिली ट्री बनाओ और उसको क्लास में जो बोर्ड है वहां पे लगाओ। तो माय फैमिली इसके अंदर ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट से कर लेते हैं, ग्रेट ग्रांड पेरेंट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ग्रांड फादर मतलब अपने जो दादाजी हैं उनकी फोटो लगा दो यहाँ पे, ग्रांड मदर अपनी जो दादी हैं उनकी फोटो लगा दो यहाँ पे, फिर ये ग्रेट आंट और ग्रेट अंकल, ये भी ग्रांड पेरेंट्स के ही वो हो गए, मतलब ग्रांड फादर की मतलब बहन और ग्रांड फादर की के भाई वही हो गए, ठीक है। तो ये हमारे ग्रैंडफादर, तो इतना भी अपन नहीं ध्यान रखते आजकल, बस ग्रैंडफादर कौन है, हमारी ग्रैंड मदर कौन है, इनकी फोटो लगा लो। अब दादाजी के बहन है कोई तो उसकी फोटो लगा दो, दादाजी का कोई भाई है तो उसकी फोटो लगा दो, और फिर इन सब के जो पापा मम्मी थे उनकी फोटो भी अगर हो तो वो भी लगा दो, ठीक है। मतलब अपने दादाजी के पापा और दादाजी की ही मम्मी, ठीक है, तो उनकी फोटो लगा दो, दादा दादी की लगा दो, दादा की बहन, दादा के भाई, ग्रेट, ठीक है। अब ये तो सिंपल सिंपल है, यहाँ पे आ जाता है ग्रैंड फादर। अब अपने दादा अपनी दादी, ठीक है, फिर अंकल आंट मदर फादर, सबसे पहले अपन मदर फादर पे आते हैं, अंकल आंट पे बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी मम्मी की फोटो यहाँ लगा दो, अपने फादर की फोटो यहाँ लगा दो, या नाम लिख दो, फोटो नहीं है तो नाम भी लिख सकते हो, ग्रैंड फादर का नाम लिख दो, ग्रैंड मदर का नाम लिख दो, दादाजी की कोई बहन है उनका नाम लिख दो, दादाजी के कोई भाई है उनका नाम लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने मदर का अपनी मम्मी का नाम लिखो, यहाँ अपने फादर का नाम लिख दो, ठीक है। फिर ये क्या है यहाँ, मदर इन लॉ, ये क्या है, फादर इन लॉ पेरेंट्स, ये मदर और फादर हो गए अपने। और फिर इसमें यहाँ पे अंकल और आंटी, जैसे अपने पापा के कोई भाई हो तो उसका नाम यहाँ पे लिख दो, जैसे तुम चाचा हो गए या फिर अपने ताऊ जी हो गए तो उनका नाम यहाँ लिख दो। आंटी मतलब जो बुआ जी होती है उसको आंट बोलेंगे हम। तो पापा की कोई बहन है उसका नाम यहाँ लिख दो, पापा के भाई का नाम यहाँ पे, पापा की बहन का नाम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर तेरे मदर इन लॉ नीचे आएंगे, सारी चीजें नीचे आएगा तब बताऊंगी। देखो फिर क्या हो गया यहाँ पे, जो अपने ताऊ जी होते हैं या अपने चाचा जी जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको अपन कजन बोलते हैं, कजन हो गए ना वो अपने, और अपने मदर फादर के जो बच्चे होते हैं वो अपनी बहन हो गई, भाई हो गया, माई सेल्फ हस्बैंड इन लॉ, ये सब सब मतलब नीचे आप सबकी फोटो लगाते जाओ। इतने तो है नहीं अपने परिवार में जितना इतना उन्होंने लिख रखा है, इतना इतना, ठीक है। तो जो भी है आपके फैमिली के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक उनकी सबकी फोटो लगाते जाओ, बस ये है, ये पूरा फैमिली ट्री हो गया।